हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। से गाइस, इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से। तो थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या कंटेंट होने वाला है मेरे ब्लॉग का। बट मैं गाइस आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, हर एक यूट्यूबर, हर एक बड़े यूट्यूबर्स, मतलब जैसे मनोज देव आप लोग जानते ही होंगे, उनका एक वीडियो के बाद हर एक नेक्स्ट वीडियो यही होता है, हाउ टू इंक्रीज व्यूज। गाइस, आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो व्यूज? उनका थंबनेल आप देखो, 1 घंटे में 1 मिलियन व्यूज कंप्लीट कर लो। उनके खुद के वीडियोस पे ना 2 से 3 लाख व्यूज होते हैं, और वो हम लोगों को बताते हैं कि आप किस तरह से मतलब इंक्रीज कर सकते हो व्यू 1 घंटे में, वो भी 1 मिलियन व्यूज। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ, ये सब कुछ नहीं है, मैंने बहुत ट्राई कर लिया, उन्होंने जो जो रूल बोला मैंने सारे रूल अप्लाई किए, बट गाइस ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि बस आप मेहनत करो। अगर गाइज ऐसा रहता तो हर एक यूट्यूबर मतलब 10-15 चैनल खोल लेते और 1 घंटे में सब पे 1 मिलियन व्यूज ले आते, ऑटोमेटिक सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते, मतलब उनका इनकम बहुत ज़्यादा हो जाता। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, वो लोग सिर्फ हम लोगों को मूर्ख बनाते हैं ताकि उनके चैनल पे व्यूज आता रहे। बट अगर आप लोग मेहनत करते रहोगे यूट्यूब पे, यूट्यूब का कहना, आप उस पर अगर टाइम दे रहे हो तो फिर लाइफ में आपको जरूर कुछ ना कुछ बड़ा होगा आपके साथ। बट आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आपको उस पर मेहनत करते रहना, डेली वर्क करते रहना। हाँ, कभी आप 1-2 दिन मिस कर दो बट किसी वजह से, लेकिन आपको उस पर डेली करते रहना वर्क। जो काम है वो डेली आपको करते रहना, उसको छोड़ना नहीं है, उस पर डेली वीडियोज आने चाहिए। अगर एक वीडियो से आदमी अगर मतलब वो जो ट्रिक बताते हैं, अगर उससे अगर एक वीडियो से अगर उतने 1 मिलियन व्यूज आ जाते, अगर सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते, तो हर एक बंदा यार वही करता ना। हर एक बंदे के पास सब्सक्राइबर्स होते, व्यूज होते, कोई मेहनत करता ही नहीं, वीडियो डालता और अपने मिलियन में व्यूज उठा लेता। बट गाइज, आप अगर ब्लॉग बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो ना, बस मेहनत करना है। हाँ सही है, वो ट्रिक बताते हैं कि आप इस तरह से अपलोड करो तो वीडियोस वायरल होने के चांस। मैं कहता हूँ आप लोग कंटेंट पे ध्यान दो, आप उस कंटेंट पे बनाओ जो कंटेंट यूट्यूब पे सर्च होता है, जो बंदे देखने के लिए एक्साइटेड होते हैं, तो आप उस कंटेंट पे वीडियो बनाओ, ना कि आप किसी के वीडियो देखकर इस तरह से अपलोड करोगे तो हो जाएगा। बट गाइस, मैंने अभी तक 30 वीडियोज़ अपलोड किया, मैंने ना उसमें से 25 वीडियोज़ मैंने दूसरे के वीडियो देखकर जो किस तरह से अपलोड करे तो वायरल होगा। बट गाइस सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे 60 से ऊपर एक भी वीडियोस नहीं, व्यूज नहीं गया, 60 से एक भी व्यूज ऊपर नहीं गया। बट गाइज, मैंने खुद से डाला, कंटेंट बनाया और नेक्स्ट वीडियो में मेरे 2K व्यूज चले गए हैं। फिर उसके बाद मैंने एक और वीडियो डाला जिसमें मेरा कंटेंट अच्छा था, उसमें मेरे 600 व्यूज पार कर गए। उसके बाद मैं गाइज खुद का कंटेंट पे ना हर पे 200 से प्लस ही व्यूज आ रहे हैं। बट गाइज, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग खुद से कंटेंट बनाओ, आपका कंटेंट अच्छा होगा तो 100% आप सक्सेस होगे, आपका वीडियोस में व्यूज आएगा, वायरल होगा। बट टाइम लगेगा, आप चाहोगे कि मैं आज, हमने आज ही स्टार्टअप किया और आज ही मेरे मिलियन में व्यूज चल जाए, तो ऐसा कभी नहीं होगा गाइज। सो बस आपको मेहनत करते रहना है, कंटेंट बनाते रहना है, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, बस आपका वीडियो वायरल होगा। सो गाइज, तो ये कोई ब्लॉग नहीं था, बट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं खुद इस चक्कर में ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, मतलब कितने सारे यूट्यूबर्स के वीडियोस देखे, बट इस सबसे कुछ नहीं होने वाला। तो गाइज, ये ब्लॉग में ये मेरी आँखों का काजल ना फैले अब कभी भी, तुझे इतना प्यार दूँ तेरी।